शिक्षा कोरबा के तरफ से राष्ट्रीय आविष्कार अभियान शैक्षणिक भ्रमण हमारे मिडिल स्कूल रचकम्मा और माध्यमिक शाला नानबा का के सात छात्राओं के साथ आज हम कृषि विज्ञान केंद्र सुतारा जा रहे हैं। हमारे साथ सोनी सर भी है और ये मिडिल स्कूल रचकम्मा के छात्र छात्राएं हैं और ये जो है नानबा का मिडिल स्कूल के छात्र छात्राएं हैं। तो आज के दिन बहुत ही एक गौरवान्वित वाली बात है कि हम इन बच्चों के साथ एक शैक्षणिक भ्रमण, वो भी कृषि विज्ञान केंद्र सुतारा, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के कृषि से संबंधित अधिक जितने प्रकार के स्वरोजगार की योजनाएं हैं उसके बारे में बच्चे जानेंगे, उसके बारे में नोट्स बनाएंगे और साथ में कुछ कंपटीशन वहाँ छोटा मोटा रखा गया है कार्यक्रम में, और उसके बाद वहीं पर नाश्ता होगा इनका, साथ में भोजन, और भोजन के बाद एक एग्जीबिशन होगा, और उस एग्जीबिशन के बाद 3 बजे फिर वहाँ से हम वापस अपने गंतव्य की ओर रवाना हो जाएंगे। और इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ कि हमारा जो कार्यक्रम हो सफल हो और हमारा यात्रा जो है मंगलमय हो, ये ईश्वर की कामना करते हुए मैं आज के इस यात्रा को मंगलमय यात्रा घोषित करते हुए रवानगी की ओर जाने का प्रस्थान करेंगे। सोनी सर कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए बहुत ही खुशी की बात है, आज आविष्कार अभियान के जो इसका जो आयोजक है समग्र शिक्षा कोरबा, जिसका शैक्षणिक भ्रमण के लिए हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं तो वर्मा जी ने आपको बता दिया, बाकी सभी को बच्चों को। फाइनली हम कृषि विज्ञान केंद्र सुतारा पहुँच चुके हैं और ये बच्चों का एक पिक वीडियो जो यहाँ पहुँचे हुए हैं, ये धीरे धीरे हमारे साथ केंद्र की ओर आगमन कर रहे हैं। ये बच्चे जो है सभी शासकीय स्कूल के हैं और बिल्कुल अपने आप को काफी आज उत्साहित महसूस कर रहे होंगे कि हमें करना क्या है। मैम यहाँ 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 इसमें भी दो कैटेगरी होती है, एक मेजर मिलट्स में क्या आते हैं, मेजर मिलट्स में क्या आते हैं, जैसे ज्वार है, बाजरा है, मक्का, ये क्या है मेजर मिलट्स, और माइनर मिलट्स में क्या आते हैं, माइनर मिलट्स में फोर ऑफ कीड़ा भी है ना, छोटे दाना वाला फोटो देखो कुर्ती कुर्ती रागी खरीद से होता है। तो माइनर मिलेट्स में है ना कोदो कुटी रागी, एक छोटा दाना होता है, सीड भी आप नहीं देखे होंगे तो ये दिखा देंगे अपने पास है ना, तो कैसे होता है उसका वर्तमान में सरकार बहुत उसका एमएसपी भी बढ़ा दिया है, समर्थन मूल्य, जैसे धान का समर्थन मूल्य क्या है, धान तो घर में बेचते होंगे तुम्हारे पापा और है ना, तो समर्थन मूल्य क्या है धान पर क्विंटल होता है ना समर्थन मूल्य, वैसे कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य 3,000 कर दिए हैं, अगर 1 क्विंटल कोदो कुटकी राली बेचोगे तो 3,000 मिलेगा उसको बढ़ावा देने के लिए। आइए तो मसाला रो करके मैगी और ये सब ये मत चीज खाया करो, रोज खाने वाली चीजें नहीं है ना, स्वस्थ खाना में चावल दाल रोटी सब्जी और अचार पापड़ और सलाद ये है ना, और थोड़ा बढ़िया थाली सजाना है तो दूध भी होने चाहिए, सबके यहाँ गाय भैंस है सबके घर में, कितने लोगों के पास है हाथ उठाएंगे, अरे सबके पास गाय है कि बकरी, तो दूध होता है, दूध खा मिलता है तुम लोगों को, तो दूध का स्वाद तो जिनको माता तो ये आप लोगों को यहाँ आने में कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया। तो हमारे ये मौसम क्या है, मौसम के कौन कौन से यंत्र होते हैं जो वर्षा को बताते हैं कि पानी गिरने की संभावना है, टेम्परेचर बढ़ा घटा
है आधी तूफान, तो उसके बारे में बताएंगे आपको डॉक्टर संजय। और इसके बाद आप अचना मैडम हमारे जनाब जारी आपको फल फूल के बारे में फलों में क्या प्रोटीन विटामिन रहता है वो बताएंगे, उसके रिलेटेड भी मशरूम का भी बताएंगे, मशरूम को जनरेट हो गया हमारे यहाँ दिखा देंगे उसके बारे में, तो डिफरेंट यूनिट के बारे में तुम लोग विजिट में देखोगे अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, अब आप लोग बहुत छोटे हैं, बहुत ज्यादा तो आपको बताऊंगा नहीं हूँ ना क्या कैसा क्या है, तो आप लोग छोटी छोटी अपनी जो भी वो होगा कि क्या बोलते हैं जिज्ञासा होगी तो आप लोग उसको पूछिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए बताइए कि जैसा सीजन की बात करेंगे अपन, है ना, तो कितने सीजन होते हैं कुछ बता पाएंगे आप लोग? 12 तो मंथ होते हैं बेटा, सीजन कितने होते हैं? मौसम मौसम कौन कौन से? ठंडी बरसात और गर्मी, है ना। ठीक है, तो बरसात का जो सीजन है मौसम जो बोलते हैं कब से कब तक रहता है पता है आप लोगों को? पानी कब 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 गिरता है, पानी कब से गिरना शुरू होता है? जून से। हाँ वेरी गुड, कब तक गिरता बेटा? हाँ चलो अक्टूबर तक, ठीक है अक्टूबर में थोड़ा बहुत गिरता है। बेसिकली जो मानसून का सीजन जो हम लोग बोलते हैं जून से सितंबर तक का, ठीक है, ये जो चार महीना वर्षा ऋतु की होती है। ठीक, उसके बाद में क्या होता है, इस समय जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून है, मानसून थोड़ा बहुत जानते होंगे, है ना, तो साउथ वेस्ट मानसून से हमारे जो तो वो पर डे कितना होता होगा उसको मेजरमेंट करने के लिए भी हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है। तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं हमारी एक ऑब्जर्वेटरी है वहां पे लगे हैं, जिसका जो डाटा है रिकॉर्ड करने के लिए सुबह 7 बजे दोपहर में 2 बजे ये डाटा रिकॉर्ड होते हैं, और ये डाटा प्रतिदिन हम लोग इस ऑब्जर्वेटरी में जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। आप लोग सोचे होंगे कभी कि ये डाटा अब जब रिकॉर्ड होता है उसके बाद क्या काम आता होगा? ये जो डाटा है मौसम का पूर्वानुमान सुने हैं आप लोग? क्या होता है पूर्वानुमान मतलब? नहीं कोई बताएगा क्या होता है मौसम पूर्वानुमान? मौसम में होने पोषण से क्या होता है हमको, अगर हमने कुछ खाया तो हमको क्या मिलेगा उससे? ऊर्जा। तो पोषण क्या है, जब भी हम कोई खाद्य पदार्थ अपने खाते हैं तो उससे जो हमें ऊर्जा मिलती है वही कहलाता है पोषण। ठीक है, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? और कमजोरी होगा तो क्या होगा? डबल दिखता है, है ना, उसी को बोलते हैं ना मोटापा, है ना। लेकिन हमको वसा की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, एकदम सुखड़े लोगों को देखियो ना, ऐसा लगता है मतलब हड्डी के ऊपर बस एक चमड़ी लगा दी है, ठीक है। और बाकी लोग बताओ, और बाकी टीम कहाँ है नहीं सर वो है, लेकिन क्या है ना आंगन वाले का लिए थे हम बहुत बड़े बात कारण है, आप यहाँ पे भी बीच बीच संख्या में आप पौधे वहीं करते हैं, गर्मी में रहते नहीं है, डेढ़ महीने छुट्टी तो कौन देख रेख करेगा, वही के गांव वाले जो बदमाश बदले हुए हैं लोग सब खा जाता है, गैया लोग खा जाते हैं। अब प्लस है सर, आप लोग पौधे लगाएंगे ना तो गर्मी में उसको एक डेढ़ महीने पहले खुदाई करके रखिए,
तो आप हाँ मतलब जमीन को खोद करके कम से कम 1-1.5 फीट लंबा चौड़ा गहरा है ना, और आप बोलेंगे कि मैं बरसात में सर तुरंत खोद के तुरंत लगाऊंगे तो ग्रोथ नहीं करेगा। अब जो गर्मी में आप खोद के रखे रहेंगे ना तो शुरुआत बरसात में लगाएंगे तो गर्मी में आपको पानी नहीं देना पड़ेगा, ये है गारंटी। चलो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बच्चों को इतना यूजफुल नॉलेज देने के लिए, और मुझे लगता है कि बच्चे लोग बहुत लाभान्वित हुए होंगे इससे, और शिक्षक लोग इन चीज़ों को नोट करेंगे और बाद में फाइलिंग के माध्यम से इसको हमारे जो नोडल जिलाधिकारी उनके पास सबमिट करेंगे। और इसे स्कूल में भी इकट्ठा किया जा सकता है बाद में भी कि आज ही करना है? नहीं आज ही नहीं करेंगे, स्कूल में दे देंगे नोट्स, क्योंकि अभी तो करेक्ट होकर ही एक रफली नोट कर रहे हैं। कुछ जानकारी है तो सर नंबर नोट कर लीजिए, नंबर दीजिए।